संतों का प्रभाव। कहते हैं संतों का सत्संग सदा सुखकारी होता है। जिस पर भी संतों की कृपा हो जाती है उसका जीवन सुधर जाता है। जानिए एक कहानी के माध्यम से। जंगल में एक अंगुली माल नाम का डाकू रहता था। उसके भय से पूरा गांव शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि जो भी गांव वाला या रागी जंगल में गुजरता था उसको लूटकर उसकी एक उंगली काटकर गले में पहन लेता था और उस इंसान को मार देता था। गांव वाले उसके आतंक से इतने परेशान हो गए कि उसके मारने की योजना बनाने लगे, पर कोई कामयाबी नहीं मिली। गांव वाले हताश हो गए। एक बार उसी गांव में महात्मा बुद्ध आए। जब उनको पता चला कि गांव वाले डाकू के भय के कारण परेशान हैं, तो महात्मा बुद्ध अगले दिन जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने बहुत रोका, पर वे रुके नहीं। महात्मा बुद्ध को आते देख डाकू हाथ में चाकू लेकर खड़ा हो गया, पर महात्मा बुद्ध ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, आगे निकल गए। अंगुली माल डाकू पीछे दौड़ा, पर उनके दिव्य प्रभाव के कारण वो महात्मा बुद्ध को नहीं पकड़ पाया। डाकू ने गुस्से में आकर महात्मा बुद्ध से कहा, कहाँ जा रहे हो, रुको। महात्मा बुद्ध रुक गए और पीछे की ओर देखा तो सामने एक जंगली डाकू खड़ा था। लंबा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में चाकू लिए बुद्ध जी को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं ठहर तो गया हूँ, भला तू कब ठहरेगा। डाकू ने महात्मा बुद्ध के चेहरे की तरफ देखा कि उसके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं है, जबकि वह जिन जिन व्यक्तियों को रोकता था उनके चेहरे पर भय के भाव प्रकट होने लगते थे। अंगुली माल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लग रहा। मैंने कितने लोगों की उंगलियां पहन रखी हैं। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान धो बैठोगे। मैं इस राज का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए, बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम ही एक राज्य के शक्तिशाली आदमी हो। तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। अंगुली माल बोला, मैं कैसे साबित करूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ के पास जाओ और 10 पत्तियाँ तोड़ कर लाओ। अंगुली माल ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ कर ला सकता हूँ। वह 10 पत्तियाँ तोड़ कर ले आया। बुद्ध ने कहा, तुम वापस जाकर ये पत्तियाँ उसी पेड़ में जाकर लगा दो। अंगुली माल ने हैरान होकर कहा, सन्यासी, आप क्या पागलपन की बात कर रहे हो। क्या ये टूटी पत्तियाँ वापस पेड़ में लग सकती हैं। तो महात्मा बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज का वापस जोड़ नहीं सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए। यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें अधिकार नहीं है। और भी कई प्रकार से ज्ञान की बात है। और सत्संग करके महात्मा बुद्ध ने उसकी बुद्धि को पलट दिया। आगे चलकर अंगुली माल बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षु बन गया। कहते हैं बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और भगवान की कृपा के बिना सच्चे संत नहीं मिलते। अगर कोई व्यक्ति भटक गया है तो उसे कोई संत ही सदराह दिखा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, संत उदय संतन सुखकारी, विश्व सुखद जिमेंदो तुम्हारी, परम दान सुत विदित अहिंसा।
पर निंदा सम अगन गरीसा, पर निंदा सम अगन गरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है।